होगा भरा। और इसी प्रेरणा से वो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारते रहे। जब 1929 में गांधी जी छगनबाजी के मंडल में आए थे तो उन्होंने कहा था कि छगन भा बहुत बड़ा सेवा कार्य कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से ज्यादा संख्या में अपने बच्चे छगन भा के ट्रस्ट में पढ़ने के लिए भेजने को कहा था। साथियों, देश की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपना वर्तमान खपा देने वाले ऐसे ही एक और व्यक्ति का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, वो थे भाई काका। भाई काका ने आणंद और खेड़ा के आसपास के इलाके में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया था। भाई काका स्वयं तो इंजीनियर थे, करियर अच्छा चल रहा था, लेकिन सरदार साहब के एक बार कहने पर उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में काम करने आ गए थे। कुछ समय बाद वो चरोतर चले गए थे, जहां उन्होंने आणंद में चरोतर एजुकेशन सोसाइटी का काम संभाला। बाद में वो चरोतर विद्या मंडल से भी जुड़ गए थे। भाई काका ने उस दौर में एक रूरल यूनिवर्सिटी का सपना भी देखा, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो गांव में हो और जिसके केंद्र में ग्रामीण व्यवस्था के विषय हो। इसी प्रेरणा से उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे ही भीखा भाई पटेल भी थे, जिन्होंने भाई काका और सरदार पटेल के साथ काम किया था। साथियों, जो लोग गुजरात के बारे में कम जानते हैं, उन्हें मैं आज वल्लभ विद्यानगर के बारे में भी बताना चाहता हूं। आप में से काफी लोगों को पता होगा, ये स्थान करमसद, बाकरोल और आणंद के बीच में पड़ता है। इस स्थान को इसलिए विकसित किया गया था ताकि शिक्षा का प्रसार किया जा सके, गांव के विकास से जुड़े कामों में तेजी लाई जा सके। वल्लभ विद्यानगर के साथ सिविल सेवा के दिग्गज अधिकारी एचएम पटेल जी भी जुड़े थे। सरदार साहब जब देश के गृह मंत्री थे तो एचएम पटेल जी उनके काफी करीबी लोगों में गिने जाते थे। बाद में वो जनता पार्टी की सरकार में वित्त मंत्री भी बने। साथियों, ऐसे कितने ही नाम हैं जो आज मुझे याद आ रहे हैं। सौराष्ट्र की अगर बात करें, हमारे मोहनलाल लालजी भाई पटेल, जिनको हम मोला पटेल के नाम से जानते थे, मोला पटेल ने एक विशाल शैक्षिक परिसर का निर्माण करवाया था। एक और मोहन भाई बिरजी भाई पटेल जी 100 साल से भी पहले पटेल आश्रम के नाम से एक छात्रावास की स्थापना कर अमरेली में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था। जामनगर में केशव जी भाई अरजी भाई विराणी और करसन भाई बेचर भाई विराणी, इन्हें दशकों पहले बेटियों को शिक्षित करने के लिए स्कूल और छात्रालय बनाए थे। आज नगीन भाई पटेल, साकरचंद भाई पटेल, गणपत भाई पटेल, ऐसे लोगों द्वारा किए गए प्रयासों का विस्तार हमें गुजरात के अलग अलग विश्वविद्यालयों के रूप में दिखता है। आज का यह सुअवसर इन्हें याद करने का भी बेहतरीन दिन है। हम ऐसे सभी व्यक्तियों की जीवन गाथा को देखें तो पाएंगे कि किस तरह छोटे छोटे प्रयासों से उन्होंने बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करके दिखाया। प्रयासों की यही सामूहिकता बड़े से बड़े नतीजे लाकर दिखाती है। साथियों, आप सबके आशीर्वाद से मुझ जैसे अत्यंत सामान्य व्यक्ति को, जिसका कोई पारिवारिक या राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था,
जिसके पास जातिवादी राजनीति का कोई आधार नहीं था, ऐसे मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को आपने आशीर्वाद देकर गुजरात की सेवा का मौका 2001 में दिया था। आपके आशीर्वाद की ताकत इतनी बड़ी है कि आज 20 साल से अधिक समय हो गया, फिर भी अखंड रूप से पहले गुजरात की और आज पूरे देश की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, सबका साथ सबका विकास का सामर्थ्य क्या होता है, ये भी मैंने गुजरात से ही सीखा है। एक समय गुजरात में अच्छे स्कूलों की कमी थी, अच्छी शिक्षा के लिए शिक्षकों की कमी थी। उमिया माता का आशीर्वाद लेकर, खोड़ल धाम के दर्शन करके मैंने समस्या के समाधान के लिए लोगों का साथ मांगा, लोगों को अपने साथ जोड़ा। आपको याद होगा, गुजरात ने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रवेशोत्सव की शुरुआत की थी। स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए साक्षर दीप और गुणोत्सव शुरू किया गया था। तब गुजरात में बेटियों के ड्रॉप आउट की भी एक बड़ी चुनौती थी। अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने इसका वर्णन भी किया। इसके कई सामाजिक कारण तो थे ही, कई व्यवहारिक कारण भी थे। जैसे कितनी ही बेटियां चाहकर भी इसलिए स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि स्कूलों में बेटियों के लिए शौचालय ही नहीं होते थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए गुजरात ने पंचशक्तियों से प्रेरणा पाई। पंचामृत, पंचशक्ति यानी ज्ञान शक्ति, जनशक्ति, जल शक्ति, ऊर्जा शक्ति और रक्षा शक्ति। स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय बनवाए गए। विद्यालक्ष्मी बॉन्ड, सरस्वती साधना योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसे अनेक प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गुजरात में न केवल पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ बल्कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी तेजी से कम हुआ। मुझे खुशी है कि आज बेटियों की पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य के लिए प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। मुझे याद है, ये आप ही लोग थे जिन्होंने सूरत से पूरे गुजरात में बेटी बचाओ अभियान चलाया था। और मुझे याद है, उस समय मैं आपके समाज के लोगों के बीच में आता था तो ये कड़वी बात बताए बिना कभी चुकता नहीं था। आप राजी हो जाएं, नाराज हो जाएं, इसका ख्याल किए बिना मैंने हमेशा कड़वी बात बताई थी बेटियों को बचाने की। और मुझे आज संतोष से कहना है कि आप सबने मेरी बात को उठा लिया और आपने सूरत से जो यात्रा निकाली थी, पूरे गुजरात में जाकर के, समाज के हर कोने में जाकर के, गुजरात के हर कोने में जाकर के बेटी बचाने के लिए लोगों के शपथ दिलवाए थे। और मुझे भी आपके उस महाप्रयास में आपका साथ जुड़ने का मौका मिला था। बहुत बड़ा प्रयास किया था आप लोगों ने। गुजरात ने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, अभी हमारे भूपेंद्र भाई बड़ा विस्तार से यूनिवर्सिटी का वर्णन करते थे, लेकिन मैं भी इसको दोहराना चाहता हूं ताकि जब आज देश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनको भी पता चले, गुजरात ने इतने कम समय में रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, दुनिया की पहली फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी और दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, इसके साथ ही दुनिया की पहली चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी,
टीचर्स ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कामधेनु यूनिवर्सिटी जैसी अनेकों इनोवेटिव शुरुआत करके देश को नया मार्ग दिखाया है। आज इन सारे प्रयासों का लाभ गुजरात की युवा पीढ़ी को मिल रहा है। मैं जानता हूं आप में से अधिकतर को इनके बारे में पता है और अभी भूपेंद्र भाई ने बताया भी है, लेकिन आज मैं ये बातें आपके सामने इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि जिन प्रयासों में आपने मेरा साथ दिया, आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, आपने कभी पीछे मुड़कर के देखा नहीं, उससे मिले अनुभव आज देश में बड़े बदलाव ला रहे हैं। साथियों, आज नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की शिक्षा व्यवस्था को भी आधुनिक बनाया जा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में कराए जाने का विकल्प भी दिया गया है। बहुत कम लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कितना बड़ा प्रभाव पैदा होने वाला है। गांव का गरीब का बच्चा भी अब अपने सपने साकार कर सकता है, भाषा के कारण उसकी जिंदगी में अब रुकावट नहीं आने वाली है। अब पढ़ाई का मतलब डिग्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पढ़ाई को स्किल के साथ जोड़ा जा रहा है। देश अपनी पारंपरिक स्किल को भी अब आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। साथियों, स्किल का क्या महत्व होता है इसे आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। एक समय आप में से अधिकांश लोग सौराष्ट्र में अपना घर छोड़कर, खेत खलिहान छोड़कर, अपने दोस्त रिश्तेदार छोड़कर हीरा घसू के रूप में सूरत आए थे। एक छोटे से कमरों में 8-8, 10-10 लोग रहा करते थे, लेकिन ये आपकी स्किल ही थी, आपका कौशल ही था जिसकी वजह से आज आप लोग इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और पांडुरंग शास्त्री जी ने तो आपके लिए कहा था, रत्न कलाकार कहा था। हमारे कांजी भाई तो स्वयं में एक उदाहरण है, अपनी आयु की परवाह न करते हुए वो पढ़ते ही गए, नया नया कौशल अपने साथ जोड़ते ही चले गए। और शायद आज भी पूछोगे कि कांजी भाई कोई पढ़ाई वढ़ाई चल रही है क्या, तो हो सकता है कुछ न कुछ तो पढ़ते ही होंगे। ये बहुत बड़ी बात है जी। साथियों, स्किल और इकोसिस्टम से मिलकर आज नए भारत की नींव रख रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया की सफलता हमारे सामने है। आज भारत के स्टार्टअप्स पूरी दुनिया में पहचान बना रहे हैं। हमारे यूनिकॉर्न्स की संख्या अब रिकॉर्ड बना रही है। कोरोना के कठिन समय के बाद हमारी अर्थव्यवस्था ने जितनी तेजी से वापसी की है उससे पूरा विश्व भारत को लेकर आशा से भरा हुआ है। अभी हाल में एक विश्व संस्था ने भी कहा है कि भारत फिर दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मुझे विश्वास है गुजरात राष्ट्र निर्माण के अपने प्रयासों में हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ रहेगा, सर्वश्रेष्ठ करेगा। अब तो भूपेंद्र भाई पटेल जी और उनकी पूरी टीम एक नई ऊर्जा के साथ
गुजरात की प्रगति के इस मिशन में जुट गए हैं। साथियों, वैसे भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद आज पहली बार मुझे इतने विस्तार से गुजरात के लोगों को संबोधित करने का अवसर मिला है। एक साथी कार्यकर्ता के रूप में भूपेंद्र भाई से मेरा परिचय 25 वर्ष से भी ज्यादा का है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि भूपेंद्र भाई एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो टेक्नोलॉजी के भी जानकार है और जमीन से भी उतना ही जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्तर पर काम करने का उनका अनुभव गुजरात के विकास में बहुत काम आने वाला है। कभी एक छोटी सी म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका के सदस्य, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष, फिर अहमदाबाद महानगर के कॉरपोरेटर, फिर अहमदाबाद महानगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, फिर औड़ा जैसी प्रतिष्ठित संस्थान के चेयरमैन करीब करीब 25 वर्षों तक अखंड रूप से उन्होंने ग्रास रूट शासन प्रशासन को देखा है, परखा है, उसका नेतृत्व किया है। मुझे खुशी है कि आज ऐसे अनुभवी व्यक्ति गुजरात की विकास यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए गुजरात का नेतृत्व कर रहे हैं। साथियों, आज हर गुजराती को इस बात का भी गर्व होता है कि इतने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, इतने बड़े पदों पर रहने के बाद भी, 25 साल तक कार्य करने के बाद भी भूपेंद्र भाई के खाते में कोई विवाद नहीं है। भूपेंद्र भाई बहुत ही कम बोलते हैं लेकिन कार्य में कभी कोई कमी नहीं आने देते। एक साइलेंस वर्कर की तरह, एक मूक सेवक की तरह काम करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा है। बहुत कम ही लोगों को यह भी पता होगा कि भूपेंद्र भाई का परिवार हमेशा से आध्यात्म के प्रति समर्पित रहा है। उनके पिताजी आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। मेरा विश्वास है ऐसे उत्तम संस्कार वाले भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात चौतरफा विकास करेगा। साथियों, मेरा एक आग्रह आप सभी से आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भी है। इस अमृत महोत्सव में आप सभी को भी कुछ संकल्प लेना चाहिए, देश को कुछ देने वाला मिशन शुरू करना चाहिए। ये मिशन ऐसा हो जिसका प्रभाव गुजरात के कोने कोने में नजर आना चाहिए। जितना सामर्थ्य आप में है, मैं जानता हूं आप सब मिलकर के ये कर सकते हैं। हमारी नई पीढ़ी देश के लिए, समाज के लिए जीना सीखे, इसकी प्रेरणा भी आपके प्रयासों का अहम हिस्सा होनी चाहिए। सेवा से सिद्धि के मंत्र पर चलते हुए हम गुजरात को, देश को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। आप सबके बीच लंबे अरसे के बाद आने का सौभाग्य मिला, सबके यहां वर्चुअली मैं सबके दर्शन कर रहा हूं, सारे पुराने चेहरे मेरे सामने हैं और भले दूर थी तो दूर थी पर तमने बधा ने मळ્યાનો આનંદ તો આવે જ। તમારી પ્રેમ વર્ષાનો અનુભવ થાય જ થાય અને આજે આપ સૌને ભલે દૂરથી પણ ફરી એકવાર મળવાનો મોકો મળ્યો। બધા વડીલોને પણ હું તો આજે જોઉં છું, બધા ખૂબ મોટી ઉંમરના વડીલોય બેઠા છે, એ બધા આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા, એમનો પણ આભાર માનું છું।
અને આપ સૌએ આટલો બધો પ્રેમ વરસાવ્યો અને ખૂબ મહત્વકાંક્ષી યોજનાને સાકાર કરવા માટે આગળ ધપી રહ્યા છો, ત્યારે કાનજીભાઈ અને એમની પૂરી ટીમને અને ખાસ કરીને આમાં તો બધા જવાનિયાઓ જોડાયેલા છે, આ બધાને મારી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ.